సిటీ ఇండియా న్యూస్ తెలుగు, ఇది చీకటి వెలుగు. వెల్కమ్ టు సిటీ ఇండియా న్యూస్. హైదరాబాద్ పాతబస్సి కాంచన్బాగ్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని హఫీజ్ బాబా నగర్ ప్రాంతంలో అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. స్థానిక పాలకేంద్రంలో షార్ట్ సర్క్యూట్ సంభవించడంతో దుకాణంలో ఉన్న ఫ్రిడ్జ్లు పేలిపోయాయి. పక్కనే ఉన్న మరిన్ని దుకాణ సముదాయాలకు అగ్ని కీలలు వ్యాపించడంతో మరో 3 షాపులు మంటలు చెలరేగాయి. సుమారు 30 లక్షల వరకు ఆస్తి నష్టం సంభవించిందని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. కాంచన్బాగ్ నుంచి మా రిపోర్టర్ జియాఉద్దీన్ రిపోర్ట్. मेरी दुकान हाफिज बाबा नगर में है, जो नाम अल्तिजारा डेयरी फार्म है. वो शॉर्ट सर्किट की वजह से कल शाम में पूरा रेगुलर 1% भी कुछ भी नहीं बचा. पूरा रेगुलर टोटली लॉस हो गया. कुछ कम 14 से 15 फ्रिजेस थे, पूरे न्यू रेगुलर फ्रिजेस थे, पूरे टोटली डैमेज हो गया. अंदर 2 लाख रुपये कैश थे, पूरा टोटली कैश हर चीज रेगुलर पूरा रेगुलर पूरा चल गया, कुछ बाकी नहीं रहा. मैं अकबर साहब के रेगुलर एरिया से ताल्लुक रखता हूँ और मुख्य चंद्रान गुप्ता से बाबा नगर का रहने वाला हूँ. मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल गफ्फार है. मेरी टोटली अरे मतलब पूरी दुकान पूरी डैमेज हो गई. मेरे भाई अरे मतलब रहे अमित भैया जो बाजू मेरे पड़ोसी रहते हैं, उनका भी अरे मतलब उनकी भी ऑप्टिकल शॉप है. उनकी ऑप्टिकल शॉप है अरे मतलब पूरा धमाका होने से इनके पास एक दीवार है अरे मतलब मेरे सराउंडिंग में और इनके सराउंडिंग में जो दीवार होती है वो दीवार गिरने की वजह से टोटली इनके पास भी पूरा डैमेज हो गया. इनके पास भी पूरे ऑप्टिकल के चीज़ें थे अरे मतलब पूरे पूरा प्लास्टिक आइटम टोटली जल गया, कुछ भी बाकी नहीं रहा. अरे मतलब 12 लाख रुपए का अरे मतलब नुकसान है, जिसमें 2 लाख रुपए तो कैश है अरे मतलब क्योंकि डेयरी वालों को डेली पेमेंट देता हूँ मैं. डेयरी वालों को अरे मतलब भाई का पेमेंट देना था मेरे को, तो लाके अरे मतलब कल ही शाम में मैं अपनी शॉप में रखा था. क्योंकि मैं 6 साल से अरे मतलब ये शॉप में रहता हूँ, कभी ऐसा अरे मतलब नहीं हुआ. ये फर्स्ट टाइम पे अरे मतलब ऐसा होने की वजह से टोटली लॉस हो गया, 1% भी कुछ भी नहीं बचा. सिटी इंडिया न्यूज़ तेलुगु, इदी चीकटी वेलुगु.